हेलो रिवान, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को लेके। अब इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश करी जाती है दो संस्था द्वारा। पहली संस्था जो है यूएस बेस्ड संस्था है, जिसका नाम है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो एक जर्मन बेस्ड संस्था है जिसका नाम है वेल्थ हंगर हिल्फे। अब ये दोनों ही संस्था मिलके इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, और ये 2006 से पब्लिश करते आए हैं। अब इस रिपोर्ट के द्वारा ये चीज़ें हाईलाइट करी जाती हैं कि वर्ल्ड के जो नेशंस हैं वो अपने पॉपुलेशन को मिनिमम फूड इंटेक देने में असफल हैं, मिनिमम फूड इंटेक देने में असफल हैं, और इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। अब उस कारणों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस बार इस ईयर का जो रिपोर्ट है 2024 का रिपोर्ट है उसको भी हम एनालाइज करेंगे कि इस बार जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है। अब अगर हम 2024 के रिपोर्ट के बारे में अगर ऑब्जर्वेशन करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि जो रिपोर्ट है वो 127 देशों के बारे में बताया जा रहा है। अब इस 127 देशों में से इंडिया की जो रैंकिंग वो 105 रैंक पे आ रही है, और इन रैंकिंग के जो पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लियरली चीज़ें हाईलाइट करी गई हैं कि इन नेशंस में जहाँ पे भी सीरियस कंसर्न है वहाँ पे अंडर नरिशमेंट या चाइल्ड मॉर्टलिटी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इंडिया पूरे 127 देशों में से उन 42 कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे फूड प्रॉब्लम्स या फूड इंटेक प्रॉब्लम्स काफ़ी सीरियस कैटेगरी में मेंशन करा गया है। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी एक सीरियस कैटेगरीज में आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो बाकी नेबर्स हैं, बाकी जो आसपास के देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे हंगर प्रॉब्लम्स थोड़े से मॉडरेट हैं। अब मॉडरेट मतलब ये हो गया कि भाई हमसे उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एक अच्छे परसेंटेज पे है। और जहाँ तक हम इंडिया की बात करें तो ये कोई ऐसी फर्स्ट रिपोर्ट नहीं है जहाँ पे इंडिया की रैंकिंग भाई 100 के ऊपर आ रही है या 105 के आसपास आ रही है। अगर मैं 2023 की अगर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो 2023 में भी इंडिया की जो रैंक थी, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, वो 111 के आसपास था आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और वहीं पे अगर मैं 2022 की रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 107 थी आउट ऑफ 121 कंट्री, और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंकिंग 101 थी आउट ऑफ 116 कंट्रीज। तो अगर मैं 2024, 2023, 2022 और 2021 इन 4 साल की रिपोर्ट के ऑब्जर्व करूँ तो हमेशा इंडिया की जो रैंकिंग है 100 के ऊपर ही गई। दैट मीन्स इन 4 ईयर्स में बहुत ऐसा इंस्टेंट बदलाव या चेंज नहीं आया जहाँ पे अपने कंट्री के फूड इंटेक के प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस या कंट्रोल कर सके। और ये कहीं ना कहीं एक सीरियस चैलेंज है जहाँ पे कंट्री को या बाकी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स उनको देखने की ज़रूरत है कि इन्हें हम कैसे रिड्यूस करेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आ रहा है इन देशों में, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अगर इन देशों की मैं बात करूँ तो इन देशों की इनकम हमारे कंट्री से काफ़ी कम है। लेकिन हम प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही, प्रॉब्लम ये फेस हो रही कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कई परसेंटेज ज़्यादा है इनसे। हमने लास्ट ईयर का ही रिपोर्ट देखा था अप्रैल 2023 का, जहाँ पे ये दिखाया गया कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो चाइना से कई ज़्यादा बढ़ चुका है, और आज प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे कंट्री का 104 बिलियन हो चुका है। अब इस 104 बिलियन पॉपुलेशन की जो इनकम है वो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, और जब अगर इनकम सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है फूड इनटेक या बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, बाकी जो सुविधाएं वो भी सेम नहीं होगी। ओके तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर यही परसेंटेज अगर मैं बाकी कंट्री के साथ मैं बात करूँ, जैसे कि श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन सब कंट्रीज़ की पॉपुलेशन काफ़ी कंट्रोल्ड है। अब पॉवर्टी यहाँ पे भी है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल होने के कारण पॉवर्टी की मात्रा इन देशों में कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, है ना। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पे हंगर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं। अब हंगर कंपोनेंट्स या हंगर पैरामीटर्स की मैं बात करूं तो हर साल जो रिपोर्ट पब्लिश होती है वो कौन से पैरामीटर्स को कैलकुलेट करी जाती है। अगर इस रिपोर्ट के बारे में अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहला जो रिपोर्ट शो करा गया इज अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पॉपुलेशन, ऐसा परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है जिनको पर्याप्त कैलोरी या पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा। वो चाहे कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो अब कोई भी कारण मतलब क्या, सबसे जो लेजिटिमेट जो आप बोल सकते हो कि जो इशू होगा इज द फूड इनटेक इटसेल्फ। या तो वहाँ पे इनकम की प्रॉब्लम है, अब इनकम की प्रॉब्लम है तो भाई वहाँ की फूड इनटेक प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे हमारे कंट्री का 13.7% पॉपुलेशन है जहाँ पे अंडर नरिशमेंट के अंडर आता है। वहीं पे 35.5% पॉपुलेशन ऐसा है हमारे कंट्री का जो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब ये हो गया कि उन बच्चों की जो हाइट है, उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो उनकी उम्र के हिसाब से नहीं हो रही है। मतलब मान लीजिए कि उनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन फिर भी उनकी हाइट क्या है, छोटी है, या वो अच्छी ग्रोथ उनको नहीं मिल पा रही है, तो दैट इज समथिंग वी कॉल्ड एज स्टंटेड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो
18.7% कुछ ऐसा पॉपुलेशन जो वेस्टेड के अंडर आ रहा है। वेस्टेड का मतलब ये हो गया कि ये कुछ ऐसा पॉपुलेशन है जिनकी हाइट तो बढ़ गई है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग जो उनको पर्याप्त पोषण, पर्याप्त विटामिन, पर्याप्त प्रोटीन जो चाहिए थे उनके बॉडी में नहीं है। दैट मीन्स उनकी बॉडी वीक है, उनकी इम्यून सिस्टम वीक है, और वो किसी भी डिसीज या किसी भी आप बोल सकते हो प्रॉब्लम को बहुत जल्दी आप बोल सकते हो कि उनकी बॉडी एक्वायर कर सकती है। तो दैट इज़ अ वेस्टेड। और 2.9% पॉपुलेशन हमारे कंट्री का ऐसा पॉपुलेशन है जो कि अपना 5वां बर्थडे मनाने से पहले ही उनका डेथ हो जाता है। दैट मीन्स कुछ ऐसे पॉपुलेशन हमारे कंट्री में जो अपने 5th ईयर बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले उनकी क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो इन 4 पैरामीटर्स को लेके इंडिया के बारे में कैलकुलेशंस करी गई हैं। उसके अलावा अगर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें आप, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये जो स्कोर है, जो पैरामीटर है, ये 2023 की ग्राफ है, ये 2023 का रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो ऐसे कुछ कंट्रीज है जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हंगर प्रॉब्लम्स कम है या ना के बराबर है आप बोल सकते हो। वहीं पे हमारे पास कुछ मॉडरेट देश भी आ रहे हैं, जैसे कि ये कुछ देश है हमारे पास। अब इन देशों में हंगर प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन चैलेंजेस वहाँ राइज हो रहे हैं जहाँ पे सीरियस कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप येल्लो कलर ऑब्जर्व करें, तो येल्लो से लेके जो रेड कलर वाला जो पैरामीटर है, अब जो भी कंट्रीज इन कलर कोड्स में आ रही हैं, दैट मीन्स उन कंट्रीज में वो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर हम ऑब्जर्व करें एशियन कंट्री में, तो जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, इन कंट्रीज में हंगर प्रॉब्लम्स काफ़ी सीरियस है। तो ये हमने ऑब्जर्व करा कि हमारे आसपास के देश में और इंडिया के आसपास जो कंट्रीज हैं वहाँ पे हंगर चैलेंजेस क्या रहे हैं। उसके अलावा एक ग्लोबल रिपोर्ट भी बताई गई है। अब इस ग्लोबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो हमारे पास पूरे दुनिया में 733 मिलियन पॉपुलेशन ऐसा है जिनके पास सफिशियंट खाना नहीं है, सफिशियंट फूड नहीं है। दैट मीन्स ये एक ऐसा पॉपुलेशन है जो प्रॉपर फूड इनटेक या हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहा है ना। तो 733 मिलियन का पॉपुलेशन है, और 2.8 बिलियन एक ऐसा पॉपुलेशन जिनके पास हेल्दी डाइट नहीं। दैट मीन्स जो कुछ मिल गया वो खा रहे हैं, लेकिन अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो उनको पर्याप्त पोषण चाहिए, जो उनको पर्याप्त प्रोटीन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फूड इंटेक नहीं कर पा रहे। उसके अलावा हमारे पास अफ्रीका भी एक ऐसा देश है जहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिचुएशन इज़ वेरी अलार्मिंग। वेरी अलार्मिंग का मतलब ये हो गया कि अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, कुछ देशों में फूड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी चैलेंजिंग है, और वहाँ पे वहाँ की जो पॉपुलेशन वो मिनिमम फूड इंटेक भी नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ उस देशों में जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, अब जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, जाहिर सी बात है वहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ी होगी, वहाँ पे लोगों के पास काम धंधे बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अब भाई अगर वॉर चल रहा है, तो वॉर के कंडीशन में इकोनॉमी वर्क कैसे करेगा। इसके अलावा अगर मैं बाकी प्रॉब्लम की मैं बात करूं, तो इकोनॉमी के साथ साथ वहाँ की जो ट्रेड और बिजनेस है, ये भी पूरी तरह से ठप पड़ा होगा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काम नहीं कर पा रही, या फूड वहाँ पे सप्लाई नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो फूड इंटेक की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बाकी देशों के बारे में अगर आप बात करें, जैसे कि जहाँ पे हमारे पास रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या रेगुलर वॉर लाइक सिचुएशन है, जैसे कि कॉन्गो हो गया, हैती, माली, सीरिया, यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होते रहते हैं। इसकी वजह से वहाँ का जो पॉपुलेशन है एक्सट्रीम फूड क्राइसिस फेस कर रहा है, और खास करके वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वहाँ की औरतें हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं, ये एक्सट्रीम सिचुएशन में फॉल हो रहे हैं। अब अगर इन रिपोर्ट्स के बारे में हम ऑब्जर्व करें, तो इससे सीधा सीधा हमें ये पता चल पा रहा है कि एक जो टारगेट रखा गया था बाय यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन ने एक टारगेट रखा था कि भाई हम 2023 के आसपास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ जीरो हंगर अचीव करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास ये इस साल की रिपोर्ट आई है, इस टारगेट को अचीव करना ये बिल्कुल ही आप बोल सकते हो कि डिस्टर्बिंग दिख रहा है, या थोड़ा सा अनलाइकली आप बोल सकते हो कि ना के बराबर दिख रहा है। बिकॉज 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने को है। अगर हम रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, तो 2025 से लेके 2030 तक जिन भी देशों ने अपने हंगर प्रॉब्लम्स को लेके प्रॉपरली काम किया, प्रॉपरली वर्क किया, तब जाके इनको हम क्या कर पाएंगे, जीरो हंगर हम अचीव कर पाएंगे ग्लोबली। लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी मैटर करेंगी कि भाई कि उन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उन कंट्रीज़ में वॉरफेयर है, या उन कंट्रीज़ में कम्युनल क्लैशेज हैं, या ओवरऑल जो पैरामीटर्स जो कैलकुलेट होते हैं, अगर ये सब कुछ स्मूथ है और सबसे चैलेंजेस नहीं है, तब जाके इन चीज़ों को हम अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज इनको अचीव करना बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि अगर हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में जैसे कि आपने, हम सभी को पता है कि इंडिया में एक
प्रोग्राम रन होता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये उसी हंगर प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने का ही पार्ट है। उसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हमारे पास एक मिड डे मील स्कीम की पॉलिसी चलती है, जहाँ पे हमारे कंट्री में एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को फ्री मील भी दिया जाता है। तो ये भी हमारे हम मुहिम या ये स्कीम गवर्नमेंट रन कर रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इन स्कीम्स को हम कितने हद तक अच्छे से रन कर रहे हैं, कितने परसेंटेज तक अच्छे से रन कर रहे हैं, और ये इस एडवांटेज को कितने लोग अचीव कर पा रहे हैं। अगर ये अनअचीवेबल है, अगर हम इसे नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है इन पॉलिसी इन प्रोग्राम्स को 100% में रन करके हमें बहुत अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा, जो कि आज भी दिखाई दे रहा है कि हमारे कंट्री का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम हंगर इश्यूज के अंदर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई